आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर इस वक्त की आप जानिए, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को उनकी जेल से शिफ्ट किया गया है। अभी तक रामपुर जेल में आजम खां, उनकी पत्नी और उनके बेटे को रखा गया था, लेकिन बीती रात अचानक से जेल शिफ्ट की गई है। पुलिस आजम खां को लेकर सीतापुर के लिए रवाना हुई है। अचानक रामपुर से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जा रहा है आजम खां को। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी हरदोई जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि जो उनकी पत्नी है तंजीम फातिमा, उन्हें रामपुर जेल में ही रखा गया। आजम खां ने जेल से निकलकर जब गाड़ी में बैठने जा रहे थे, उससे पहले अपने एनकाउंटर की आशंका जताई है। आजम खां ने कहा कि हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। डबल जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। 7-7 साल की सजा पूरे परिवार को सुना दी गई। ऐसे में आजम खां, उनकी पत्नी, उनके बेटे तीनों को जेल भेज दिया गया। कोर्ट में फैसला सुनाया, कोर्ट से ही सीधे जेल भेजा गया। और अब आजम खां को बीती रात अचानक से उनकी जेल को शिफ्ट किया गया है, उन्हें सीतापुर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आजम खां को जब बीती रात अचानक से जेल से निकाला गया, दूसरी जेल में ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाने जा रहे थे, उसी वक्त आजम खां ने कहा कि हमारा एनकाउंटर हो सकता है। यानी कि उन्हें ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि अचानक जेल में शिफ्ट करना या फिर उन्हें गाड़ी में बिठाना, ये एनकाउंटर की तरफ इशारा कर रहा है। उनके बेटे अब्दुल आजम को हरदोई जेल में शिफ्ट किया गया है। आजम खां गाड़ी में बैठने को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस गाड़ी में हम नहीं बैठेंगे या फिर बीच वाली सीट पर हम नहीं बैठेंगे। ऐसी कई बातें इस वीडियो में देखी जा सकती हैं जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस खबर को लेकर रोहित वाजपेयी सीतापुर से जुड़ गए हैं, फहीम खान रामपुर से जुड़े हुए हैं, लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले फहीम खान, मैं आपका रुख कर रही हूँ, बीती रात अचानक से ये जो जेल शिफ्ट की गई है, ये क्यों की गई है? आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दूसरी जेल में क्यों भेजा गया, कोई रीजन? आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए खुद को पहले। फहीम नहीं आ रही आपकी आवाज, नहीं आ रही है। मैं अभिषेक का रुख कर लेती हूं। अभिषेक, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, रामपुर जेल में पति पत्नी और बेटे को रखा गया था, अचानक से ये शिफ्ट क्यों? बिल्कुल, बीते दिनों हमने देखा कि कैसे रसूख और इतने लंबे समय से ताकतवर स्थिति में रहने के चलते उनके जनपदीय जेलों में रखने का क्या नतीजा निकला। चाहे वो मुख्तार अंसारी हों, अतीक अहमद हों, उनके भाई अफजाल अंसारी की बात की जाए या बाकी लोगों की बात की जाए, इसीलिए ये जेल शिफ्टिंग की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाती है। हालांकि आजम खान को 7-7 साल उनके परिवार को जो सजा दी गई फर्जी दस्तावेज मामले में, जब जन्म प्रमाण पत्र का मामला था, उसके बाद से ही वो रामपुर जेल में थे। लेकिन इस बात से कोई नावाकिफ नहीं है कि आजम खान का रामपुर में क्या रसूख, क्या दबदबा था। वो मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े चेहरे, ऐसा वक्त था जब मुलायम सिंह यादव उनके अलावा किसी की बात नहीं सुना करते थे जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। लिहाजा रामपुर में और उसके आसपास के इलाकों में उनका वही दबदबा है। इस बात से प्रशासन को कोई नावाकिफी नहीं थी और शायद यही वजह थी कि उनकी जेल शिफ्टिंग की कार्रवाई की गई, उनको खास तौर पर जेल शिफ्ट किया गया। और इसी को लेकर उन्होंने सुबह सुबह जो प्रोपेगेंडा किया, सुबह 5 बजे जेल शिफ्टिंग कार्रवाई, तो उन्होंने कहा कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, उन्होंने कहा कि वो बीच की सीट पर नहीं बैठेंगे, उन्होंने कहा उनके हाथ पैर तोड़कर उनको यहाँ से ले जाया जाए, पुलिस उनसे बदसलूकी कर रही है, ये सारे आरोप लगाते रहे। लेकिन इन सारे आरोपों के बीच जेल शिफ्टिंग की कार्रवाई शुरू हुई और जेल शिफ्टिंग करने की पूरी तरह से जो अगर नियम और कानून की बात की जाए तो ये जिला प्रशासन की तरफ से और जेल प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया जाता है। यानी जिला प्रशासन ने एहतियातन ये कदम उठाया है कि आजम खां अपने रसूख का इस्तेमाल करके शायद हो सकता है कानून को चकमा देने की कोशिश करें, या फिर ऐसी कोई भी संभावना जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, उसको देखते हुए जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। रोहित, आपको आवाज मिल रही है मेरी? रोहित, सीतापुर जेल में शिफ्ट करने के लिए आजम खां को बीती रात ले जाया गया, पहुंच गए हैं सीतापुर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आजम खां और उनके बेटे और उनकी पत्नी की जो सजा मिली है फर्जी जन्म मामले में, उसमें जो है उनके बेटे को हरदोई शिफ्ट किया गया, आजम खां को अभी अभी सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जी, अच्छा, आप बता रहे हैं कि अभी अभी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। आजम खां के हाव भाव फिलहाल कैसे थे, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने गाड़ी में बैठने से पहले कहा कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, वहाँ जब गाड़ी से उतर रहे थे, जेल के अंदर ले जाए जा रहे थे, तब कुछ कहा?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब आजम खान को जेल में ले जाया जा रहा था तो उनको चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा था, मीडिया को उनके पास नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन उनके चेहरे से दूर से जो हाव-भाव देखे जा रहे थे काफी वो परेशान दिख रहे थे, इसलिए उनको किसी चीज का डर अंदर से बहुत लग रहा था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि थोड़े डरे हुए घबराए हुए लग रहे थे, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि परेशान हैं। फहीम हमारे साथ हैं। फहीम, रामपुर प्रशासन को ऐसा लगा कि रसूख का इस्तेमाल शायद आजम खान कर ले, इसीलिए उन्हें दूसरे जिले की जेल में शिफ्ट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले भी आजम खान को स्वास्थ्य कारणों से, उनको खासतौर से सुरक्षा कारणों से भी पहले भी शिफ्ट किया गया था सीतापुर जेल में स्वास्थ्य कारण के अलावा। फहीम आपके ऑडियो में दिक्कत है, मैं एक बार फिर से अभिषेक का रुख कर रही हूँ। अभिषेक, रामपुर जेल से शिफ्ट किया जाना बेटे को भी और आजम खां को भी, और या उनकी पत्नी जो है तंजीन फातिमा, उन्हें रामपुर जेल में ही रखा गया है, ये एक सजा का दूसरा पार्ट भी हो सकता है। एक साइकोलॉजिकल तसल्ली रहती है कि भाई तीनों एक ही जेल में है, और अगर तीनों को अलग अलग कर दिया जाएगा तो उस सजा के मायने अलग होंगे, क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी सोच हो सकती है इसके पीछे? बिल्कुल, अगर लेकिन कानूनी तौर पर कहा जाए तो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आजम खान का जिस तरह का रसूख और माहौल है उसको लेकर ये थोड़ा मामला सेंसिटिव था, लिहाजा उनको रामपुर जेल में लोग मिलने वाले, लोगों और भी उनके लोग मिलने वाले पहुंच रहे थे। शुरुआती दौर में जेल की कहां शिफ्ट किया जा रहा है इसको भी गोपनीय में रखा जा रहा था, और उसके बाद उनको सीतापुर और हरदोई जेल बेटे को शिफ्ट करने की बात सामने आई। इसके पीछे का कारण बिल्कुल साफ है कि एक ही जेल में रहकर उनका जिस तरह का रसूख रहा, जिस तरह का माहौल रहा, आजम खान रामपुर और आसपास के इलाकों में इतना पॉपुलर रहते हैं, किसी भी तरह का माहौल क्रिएट हो सकता है। लिहाजा इस वक्त त्योहारों के मद्देनजर भी और किसी तरह का कोई गलत मैसेज लोगों के मन में भी कोई भड़काऊ बात ना आए, उनको लेकर ये कदम उठाएंगे एहतियातन, और उनकी जेल शिफ्टिंग की कार्रवाई इसीलिए की गई क्योंकि वो रामपुर में रहते, रोज रोज मिलने जाते, नाराजगी भी दिखा रहे थे लोग उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, लिहाजा उनके मिलने वाले उनके समर्थक और खासतौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी तरह का जेल में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन ना क्रिएट हो, लिहाजा इसको लेकर, और अक्सर ऐसा किया भी जाता है कि जो भी लोग रसूखदार होते हैं चाहे वो पॉलिटिकल कैरियर। अच्छा, एक तरफ अभिषेक बात रसूख की है, मैं रोहित का रुख कर ले रही हूँ। रोहित, एक तरफ तो बात रसूख की हो रही है कि रसूख का इस्तेमाल करते आए हैं, अभी भी हो सकता था, लेकिन अभी का जो वक्त है जब जब आजम खान मीडिया के सामने आते हैं वो सिंपथी गेन करने वाले बयान देते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं मुसलमान हूँ, मेरे साथ इसीलिए ऐसा हो रहा है। अभी जब उन्हें जेल में शिफ्ट किया जा रहा था वो कह रहे थे कि भाई एनकाउंटर हमारा हो सकता है, ये सब बयान देने के पीछे क्या सोच हो सकती है? बिल्कुल एकदम बात साफ है कि आजम खान हमेशा से वाक्पटुता या इस तरह से चतुराई से किसी बात का जवाब देने में बहुत माहिर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी सरकार में भी, और जब विपक्ष में रहे वो तो भी, एक वक्त ऐसा भी आया जब वो मुलायम सिंह यादव से अलग ही हो गए तो भी उन्होंने कोई कुछ बात कहने से कोई गुरेज नहीं किया, यहाँ तक मुलायम सिंह यादव पर भी कोई बहुत सारे आरोप उन्होंने लगा दिए थे, लिहाजा उनकी ये भाषा शैली या बात करने का अंदाज है, और शायद यही वजह है जब उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप शुरू हुए। एक वक्त ऐसा भी था अभी जब उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए तो उन्होंने कहा कि मैंने भैंसे चोरी की, और बहुत सारी बातें बोलते हुए नजर आए कि मैं चोर हूँ, मैं गुंडा हूँ, मैं छटा हुआ बदमाश, ये सारी बातें वो मीडिया से कह रहे थे, और एक तरह का व्यंग था ये, तंज था जो वो उल्टा लगाते हुए कह रहे थे। बिल्कुल, और जो उनके बयान है उन्हें लोग बड़ा सुनते भी हैं, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की टिप्पणी होती भी है, अब चूंकि ये बयान सामने आया है तो इंतजार करेंगे लोगों का रिएक्शन किस तरीके से सामने आता है और पॉलिटिकल रिएक्शन किस तरीके के सामने आते हैं। नजर आप बनाए रखिएगा। अभिषेक, रोहित, फहीम, आप तीनों का ही शुक्रिया इस खबर पर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।